जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, हार्ट अटैक और दिल की बीमारियां इतनी खतरनाक और जानलेवा होती हैं कि सीधा इंसान की जान को खतरा हो जाता है। जिस तरह का आजकल खानपान और लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें स्वस्थ रह पाना बेहद मुश्किल हो गया है। दिमागी तौर पर बीमार रहना, सिरदर्द, डिप्रेशन, थकान और उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना आजकल की आम समस्याएं हो गई हैं। बाल सफ़ेद होना भले ही आपको एक आम समस्या लग रही हो, लेकिन इसके संकेत बहुत भयावह हो सकते हैं। जी हाँ, शोधकर्ताओं की अगर माने तो बाल सफ़ेद होने के पीछे दिल की बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि जिन पुरुषों में बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं, उन्हें दिल की बीमारी की चपेट में आने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए विस्तार से देख लेते हैं सफ़ेद बाल और दिल की बीमारी का संबंध आखिर है क्या। इजिप्ट में एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने कई लोगों पर ये शोध करने के बाद साफ किया कि सफ़ेद बाल और दिल के रोगों में एक बड़ा संबंध है। उनका कहना है कि धमनियों की आंतरिक दीवारों पर वसा के जमाव और बालों के सफ़ेद होने की जैविक प्रक्रिया में काफ़ी समानताएं होती हैं। इस चरण को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया में धमनियों में रक्त प्रवाह का मार्ग बहुत छोटा हो जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस पूरी रिसर्च में शामिल लोगों की धमनियों की अंदरूनी स्थिति की सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी तकनीक के जरिए जांच की थी, जिसके चलते सफ़ेद बाल और दिल की बीमारी का खुलासा हुआ। अब देख लेते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या होते हैं। वैसे तो हार्ट अटैक कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ सामान्य लक्षण बता रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या हैं हार्ट अटैक के लक्षण। सीने में भारीपन, दर्द और जलन महसूस होना, पेट और पीठ में नियमित दर्द बना रहना, गर्दन और मुंह के जबड़े में दर्द होना, लगातार पसीना आना, उल्टी और मितली जैसा लगना। बचने के उपाय क्या क्या हैं वो भी जरा देख लेते हैं। साइकिलिंग या वॉकिंग आप नियमित रूप से करें, अगर संभव हो तो स्विमिंग भी नियमित रूप से करें। धूम्रपान को दूर से ही अंगूठा दिखा दें। ज्यादा वसा वाला खाना ना खाएं, नमक का सेवन कम करें, तनाव और टेंशन को पास ना आने दें। समय पर खाना खाएं, रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, चाय और कॉफी का कम से कम सेवन करें, 8 से 10 ग्लास रोज पानी पिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हार्ट को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।